सही है, जो घरों के बाहर कूलर लगाया होता ना लोगों ने। ओ सर ऐसा ना हो, बदापुर बोले कि मैं 4 छोड़कर गया था, ये 6 कैसे हो गई? बड़ा देर कर दी आपने। शाह जी एक्सीडेंट होया रात, हाईवे बंद हुई पई है। आप सब एक नली काट के ना ओदे विच पा के प्लेट दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? सही, मैं अख्तर सिंह जमाली और आप देख रहे हैं जमाली ट्रैवल एंड प्रॉपर्टी व्लॉग। सही, सुबह का आगाज़ हो चुका है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफियत से, और ऑफिस जा रहे हैं। घर से निकल आया हूँ मैं अभी इस वक्त, और आया हूँ कर्नल इमरान साहब को पिक करने, तो बस कर्नल साहब को भी साथ लेते हैं फिर चलते हैं ऑफिस। कर्नल साहब आ गए हैं तो आज आपकी भी मुलाकात करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? तबीयत कैसी है? सही, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सही, प्लॉट्स बेच रहे हैं या नहीं आज? सही, प्लॉट भी बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और घर भी बेच रहे हैं, किराए पे भी दे रहे हैं, बस हमारे व्यूअर्स लेने वाले बने। चले जी, अल्लाह ताला उनके दिलों में डाले जी हमारे लिए, आमीन। तो सही, आज का क्या प्रोग्राम है? ऑफिस ही जाना है ना? ऑफिस जाएंगे, कोई अलग उलग करेंगे, काम शाम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खाना शाना खाएंगे इंशाल्लाह। जी सही, हाँ आज ऑफिस में एक छोटी सी दावत भी है दोस्तों की, कुछ जुर्माना डाल दिया है इन्होंने मुझ पे, तो चलें सही, कोई बात नहीं, आज मुझ पे जुर्माना तो कल किसी और पे, ये तो सिलसिला चलता रहता है। किसी दिन ये देखने वालों पे भी जुर्माना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी किसी भी दिन देखने वालों पे भी जुर्माना करेंगे, तब ये हमारा मसला हल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो सही, चलते हैं अभी ऑफिस, बाकी मामलात फिर इंशाल्लाह दिन के साथ ही हैं। सही, ये ऑफिस जाने से पहले ज़रा सेक्टर DHF Phase 2 के कुछ गलियां रहती हैं उनकी वीडियो बनाने आया हूँ, क्योंकि ये भी साथ साथ आपको पता है करना होता है, जो कि रिव्यू की एक वीडियो आप मेरे चैनल पे अक्सर देखते हैं, तो उन रिव्यू इनकी वीडियोस बनानी होती है इन गलियों की, तो इधर आया हुआ हूँ। कुछ वीडियो बन गई हैं, कुछ अभी रहती हैं तो वो बनाते हैं, तो फिर ऑफिस चलते हैं इंशाल्लाह। सही, अभी इधर DHF Phase 2 की बी की गलियों का विज़िट कर लिया, अभी आए इधर सेक्टर सी में आके विज़िट कर रहे हैं, तो साथ ही जो वीडियो शीडियो बन रहे थे, तो ज़रा गर्मी का टाइम है सही, इधर कूलर देखा तो हमने कहा चलो सही पानी शानी पी लेते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह इनको अजर दे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही है, जो घरों के बाहर कूलर लगाया होता ना लोगों ने, ये बहुत अच्छा किया होता है माशाल्लाह। जैसे आज मुझे ज़रूरत पड़ी है, मौसम गर्मी का है, तो कि चलो यार कूलर लगा हुआ है पानी पी लेते हैं, तो यहाँ से लेबर वगैरह जो पैदल बंदा गुजर रहा होता है तो उनके लिए बड़ी सहूलत है सही। और ये अजर जो है ना आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर देता है इसका, जिन्होंने भी ये लगाया हुआ है। ज़ाहरी बात है, इसको मेंटेन करना, इसका ख़र्चा करना, पानी का कनेक्शन देना, फ़िल्टर वगैरह मेंटेन करना, ये एक एक्टिविटी है जो कि ऐसी जगहों पे को बहुत बड़ा ख़र्चा नहीं है, लेकिन बात ये कि वो सोच जहन में आई और वो ख़र्चा किया गया। जिस सही, अब भी माशाल्लाह यहाँ काम ख़त्म हो गया है, जो चंद गलियों का विज़िट किया और उनकी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो इसके बाद ज़रा चलते हैं ऑफिस, और शायद ऑफिस ना रुकूं, चलते हैं देखता हूं। ऑफिस अगर ना रुका तो फिर सीधा जाना है DHA Home, लेकिन सही नहीं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस काम के लिए मैंने DHA Home जाना है, उस DHA Home की चाबियां ऑफिस में पड़ी हैं, वो चाबियां उठानी हैं, तो फिर उसके बाद जाना है DHA Home। DHA Home क्यों जाना है, क्या काम है, ये इंशाल्लाह वहाँ पे चल के आपको बताता हूँ।
ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਚੋ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਏ ਆਪਸੇ ਕਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਸਿਤ ਖਾਨ ਸੇ ਹੂੰ ਯਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਾਈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 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 آپ ٹھیک ہے نا آپ کا تو نہیں ہوا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ ہائی وے کہاں پہ بند ہے یہ سر قدر میں تصویر نہیں جیسے لگی جی جی تو آن لگا فیض آباد تو ادھر آن واسطے اچھا 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 اللہ خیر نکل آیا موٹر سائیکل تو میں تو سائی یہ کیا لے کر آئے ہیں بابا السلام علیکم صبح بھی اللہ نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے چھوڑتا تو نہیں ہے یہ ادھر نہ رکھے بابا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائیں یہ آ گیا گوشت یہ ماشاءاللہ بھی آپ کی واہ سائیں واہ گوشت کے ساتھ اور نلیاں بھی یہ نلیاں آ گئی یہ سب کھڑا ہے یہ سر میں کہ آسم صاحب بھی نہ کھینا کہ میرے واسطے کون ہے نام کا رات کے کھانے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وساطت وہ کیا کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آپ ساتھ ہی ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اگر آنا ہے تو موسٹ ویلکم سے بسم اللہ سائیں ابھی یہ بابا جا رہے ہیں ڈی ایچ اے ہوم کی طرف اور میرے ساتھ ہیں تیمور صاحب بھی تیمور شفیق صاحب اور فتح علی صاحب بھی تو درمیان میں یہ سائیں یہ نظارے شزارے ہیں ماشاء اللہ تو میں نے کہا چلو یہ آپ کو تھوڑا روٹ کے نظارے بھی دکھا دوں یہ ابھی سائیں سامنے بورڈ لگے ہوئے ہیں لکھا ہوا ہے کوٹا روڈ سیدھا اگر ہم سیدھا چلے جائیں تو سائیں کوٹا روڈ پہ جا کے نکلیں گے فیز 7 جو ہے نا ڈی ایچ اے ہوم رائٹ پہ ڈی ایچ اے فیز 6 کا جو سیکٹر ہے C2 C3 ایکسٹینشن وہ بھی رائٹ پہ اور یہ ہے ایونیو 4 جس پہ ابھی ہم ٹرن کرنے لگے ہیں ماشاء اللہ سائیں زبردست ادھر تو اسکوٹی بھی چل رہی ہے میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ ادھر کافی چہل پہل لگ رہی ہے چہل پہل لگ رہی ہے مطلب ہے قریب میں کوئی گھر ہے جس میں ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم چارج بھی کر سکتے ہیں اس کو جی ہاں صحیح یہ ساتھ صحیح گاؤں ہے نا لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ گاؤں ہے صحیح ہے ابھی ہم آ گئے ہیں سامنے یہ دیکھیں یہ روڈ پہ چل رہے ہیں شبیر شریف ایونیو پہ اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ آگے جا کے آپ نے یو ٹرن لینا ہے فیز 7 ڈی ایچ اے ہوم کی طرف اور فیز 6 سیکٹر C2 C3 ایکسٹینشن فیسیلیٹیشن پتہ نہیں صحیح یہ انگریزی میں سر فیسیلیٹیشن فیسیلیٹیشن صحیح پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں سینٹر فیز 6 ہاں سینٹر فیز 6 ادھر ہے تو چلیں صحیح ہم اپنے منزل پہ چلیں میں نے کہا آپ کو بورڈ دکھا دوں صحیح یہ سامنے ابھی یہاں سے جو یو ٹرن لیتے ہیں یہ سامنے بورڈ بھی دیکھیں آپ ادھر لکھا ہوا ہے کہ فیز 7 یو ٹرن لے لیں فیز 6 3 ایکسٹینشن رائٹ چلے جائیں فیسیلیٹیشن سینٹر فیز 6 میں
और राशिद मिनास एवेन्यू ये सामने है, लेकिन हमने राशिद मिनास पे नहीं जाना। सही है, तो फेज सिक्स में टंकी भी बन रही है पानी वाली, माशाल्लाह जबरदस्त। सही काम बाबा तेजी से चल रहा है इधर, ये फेज सिक्स सही, ये बी थ्री सेक्टर में माशाल्लाह वाटर टैंक बन रहा है। और अब हमने इसी शब्बीर शरीफ रोड पे यू टर्न ले लिया है और आगे जाते हैं फिर फेज सेवन पे। तैमूर साहब, आपने ये ब्लू बेल वाला और बी थ्री वाला जो आपस में कनेक्ट करता है लिंग रिवर में ब्रिज देखा है पहले? नहीं सर, मैंने पहले नहीं देखा। वो नहीं देखा? नहीं बाबा, आज आपको विजिट करवाते हैं इधर। सर चलें सर, हम भी इस बहाने काफी एक्सप्लोर कर लेंगे चीजों को इंशाल्लाह। ये सही अभी माशाल्लाह, सही माशाल्लाह सही। ये दुबई गए कभी आप? नहीं सर, मैं दुबई भी नहीं गया। वाह सही वाह, चले सर अब आपको लेकर जाएंगे। मैं दो दफा गया हूँ दुबई। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। वो रोड तो बड़ी है, चलो ये 100 फुट की है, लेकिन दुबई का नजारा देती है। अच्छा माशाल्लाह, नहीं बनाया ये बना सही ब्रिज आ गया आपका, ठीक है माशाल्लाह जबरदस्त ब्रिज आ गया है। सही है, तैमूर साहब आज पहली दफा इधर आए हैं ब्रिज पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मुझे लग रहा है बहुत अरसे के बाद शायद मेरा चक्कर लगा है इस वजह से। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो देखें नेचुरल सीन आपको दिखाऊं। ये देखें बाबा भैंसे, फिर इधर गाय, भैंसे नहा रही है। तैमूर साहब है मूड नहाने का? या नहीं? वो सर ऐसा ना, वो बदापोल बोले कि मैं चार छोड़ कर गया था, ये छह कैसे हो गई? हम भी उसमें गिर जाए पता चले हमें भी घसीट के ले जाए। बात तो ठीक है सही। नहीं माशाल्लाह सही जबरदस्त, सही बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है सही। ये सही डीएचए सिक्स से अब हम दाखिल हो गए डीएचए सेवन में। माशाल्लाह जबरदस्त सामने सही। ये जैसे ही हम डीएचए सिक्स वाली साइड से डीएचए सेवन में दाखिल होते हैं तो पहला ये सेक्टर जो है वो आ जाता है ब्लू बेल। ब्लू बेल सेक्टर माशाल्लाह बड़ा काफ़ी तैयार हो चुका है, आगे मजीद काम चल रहा है, बाकी सेक्टरों में भी काम चल रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ इसी में ही, वक्त लगेगा थोड़ा लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त अब दूर नहीं है कि सारे काम इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे। सर थोड़ा सा लोगों को आइडिया भी दे रहा कि यहाँ पे क्या प्राइस है? प्राइस चेंज होती रहती है ना वक्त आज के साथ की डेट में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट का सोचे यहाँ पे तो सोचे तो सही बिल्कुल रब्ता करें, हम बताएंगे। इसमें से प्राइसेस बहुत सारे फर्क है, फर्क ये है वो फर्स्ट बैलेट अलग है, सेकंड बैलेट अलग है, ऊपर छह बैलेट हो चुकी है। हां छह बैलेट हो चुकी है। अच्छा इसका ये मुझे बताएं कि यहाँ पे अभी हमारा सारा बैलेट हो चुके हैं ब्लू बेल या अभी इस नहीं चला? अभी बड़ा रहता है। अच्छा, जैसे जैसे प्लॉट में बनते जाते हैं ना तो फिर वो बैलेटिंग करते जाते हैं। अच्छा हमारे नाजरीन को ये तो आप बता दें कि यहाँ पे प्राइस स्टार्ट कहाँ से होती है? मेरे वो अपने माइंड में अगर ब्लू बेल की वो 8 लाख फाइल लेने आए हैं सितंबर 2024 जिस वक्त जो बैलेटेड 8 मरला है वो शुरू होती है तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, ब्लू बेल में वो 42-43 लाख से लेके ऑनवर्ड 55 लाख पे। अब सही इसमें बड़ा फर्क आ जाता है, कोई पोजीशन वाली है, कोई पोजीशन अभी नहीं है, कोई 6 बैलेट में है, कोई 1st बैलेट में है, फिर कोई ट्रांसफरेबल है, कोई ओपन है, ये बड़े फर्क हैं सही। ये देखें माशाल्लाह आप राइट पे स्क्रीन पे देख रहे हैं बड़ी मशीनरी वगैरह लगी हुई है। सही, ये मशीनरी जब चलती है ना तो इसमें डीजल आता है, तो डीजल आजकल किधर पहुंच चुका है आपको पता है, तो इसका मतलब ये कि काम हो रहा है और अच्छा खासा काम हो रहा है। और इस वक्त सही है हम रोज ब्लॉक में हैं, ये रोज डेली वाला नहीं सही, ये रोज वो फुल वाला, कहीं आप समझेंगे यार ये डेली वाला रोज है, ये
ऊपर भी मशीनरी सही है तैमूर साहब जी। इस साइड पे देखे, इधर भी बड़ा काम चल रहा है। इधर माशाल्लाह काफी रोड्स निकाल दी है इन्होंने। बिल्कुल, चले हम अपने नाजरीन को महीने डेढ़ के बाद फिर विजिट कराएंगे तो उनको बताएंगे कि जहाँ जहाँ पे आज की डेट पे काम चल रहा है वहाँ पे देखे आप कंप्लीशन की तरफ आ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं सही, मैं दूसरे तीसरे महीने चक्कर लगाता हूँ ना, तो अपने ये जो नाजरीन है इनको वीडियो बना के दिखाता रहता हूँ कि सही ये देखें काम चल रहा है। सही, ये हम आ गए DHA होम की तरफ। ये ओलेंडर ए ब्लॉक सही, इधर तो सही झूले मूले भी लगा दिए हैं बच्चों के लिए, छोटे मोटे पार्क भी कॉर्नर पे बना दिए हैं, जबरदस्त। सही DHA होम से वापस आ गए हैं। आपको पता है DHA होम और वैली वाली साइड पे जाने तो सही गाड़ी को सर्विस कराना लाजमी हो जाता है। सारी गाड़ी डस्ट में गंदी हो गई थी बाबा, अभी इसकी माशाल्लाह सर्विस वगैरह करा रहे हैं तो चमक जाएगी इंशाल्लाह। देखें अभी चमक भी गई है। सही, ज़रा देखते हैं कि खाना शाना कितना तैयार किया है, तैयार हो गया है कि नहीं तैयार हुआ। खैर अभी टाइम है, लेकिन ज़रा इनका पता तो करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कहीं किधर पहुँचे हैं बाबा? बस तकरीबन पूरा ही है। हाँ जी, टाइम जो दिया उस टाइम पे हम रेडी हो जाएंगे। अच्छा ये सर आपके गोश्त ये खरोड़े ठीक सलाद सलाद रखा ना? हाँ जी चले जबरदस्त। जब ये गोश्त डालेंगे ना तो ये वाली मिर्ची फिर तब डालेंगे ना? ये बाद में जब थोड़ा रेडी हो जाएगा, कि रेडी से कुछ 10-1 मिनट पहले ना जब दम देंगे उस टाइम। नहीं नहीं नहीं, फिर कच्ची रह जाती है। जब गोश्त डालेंगे ना इसमें तब डाल दें। इसी साबित ही डाल दूँ? हाँ, हल्के सा मुँह काट लेना खाली। ठीक है ना सही? आप क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, चले सही चलते हैं। जी हाँ, कितनी देर है भाई? हम तैयार है। शेख साहब आप किधर जा रहे हैं? भाई जी बहन लगे हैं कोई जरा ना, ये उठा लो यहाँ से, इधर ले आके आ दो, इधर दे दो। और डब्बा यार कुर्सी इतने रखने हैं।
भी टच करना चाहिए, एक 90 कर ले, एक 80 कर ले, इस तरह से दो से चित्र रखे, देखे प्रॉफिट काम रखे, दो शुरू में नहीं, वो जो जबाली भाई ने बात की ना उस पर हम रखते हैं। सर मेरी बात सुने ना भाई, लेकिन आप डीलर को भी तो कुछ दे ना, सारा 5 लाख दे ना डीलर को, रोटी भी खानी है कि बस वीडियो बनानी है, रोटी खानी है, भूख लगी है यार, सही रोटी तो फिर घर से खा के आते हैं, कल की छड़ी है यार, कल की छोड़ी है, सही देख ले, फिर कल का खाना नहीं खाया ना शेख साहब ने, मैंने इलेक्शन में शुरू हो गई है जी, हूं सर वेलकम, इलेक्शन 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 की मुहिम शुरू हो गई, इलेक्शन बिल्कुल नहीं खेलना, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਸਮਾਰਟ ਸਮਾਰਟ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੁਆਰੇ ਬੰਦੋ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੰਦਰ आप सब एक नली काट के ना ओदे विच पा के प्लेट दे सही, हाफिज साहब मेहनत अपनी अपनी मामा बन जो मैं की करा यार, मेरे पास से आई सी वैसे बड़ी मेहरबानी, हाँ पता नहीं किस चीज का वो एक अलग बात है, फिर बाद में करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी सही अल्हम्दुलिल्लाह दिन बड़ा अच्छा गुजरा, मसरूफ़ गुजरा, आपके सामने शुक्र खुदा का बड़ा अच्छा दिन गुजरा, और दोस्तों की दावत भी हो गई, कामकाज भी किए, तो सही अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया हूं, तो आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं, और व्लॉग हो भी बड़ा लंबा गया है, तो इसी के साथ अपने दोस्त अख्तर सिंह जमाली को दे इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।